है, तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, किस तरह किरदार है और किसी की प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह थीम इस प्रोजेक्ट का? गंगाथी गौरी एक बहुत ही उम्दा फिल्म है और जहाँ हम आज नारी के सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं तो ये उसके लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री फिल्म है, पूरक फिल्म है। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की अगर पर्याप्त चीज़ें नहीं प्राप्त होती है और उस वक्त अपनी बच्ची को जन्म देती है और घर से परिवार से साथ नहीं मिलता है तो किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का सामना करते हुए उस बच्ची को बड़ा करने के लिए क्या क्या गो थ्रू कर सकती है, एक माँ क्या क्या कर सकती है अपने बच्चे के बड़े उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, उसके परवरिश के लिए, इस बारे में एक कहानी है। और इसी दौरान उसकी एक नहीं उसकी दो माएँ होती है और वही कहानी है गंगा की गौरी। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है जो राजेंद्र जी ने बुना हुआ है, कथा बहुत सुंदर है और एक पारिवारिक फिल्म। जहाँ हम यहाँ भोजपुरी फिल्मों को लेकर जहाँ बात होती है कि पिक्चरें अश्लील बनती है और हम लोग भोजपुरी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो भोजपुरी के ऊपर जो दाग हमेशा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये उस दाग को मिटाने में बहुत इस फिल्म का योगदान होगा। मैं यही कोशिश करूँगी कि अच्छी फिल्में करूँ और अच्छी फिल्मों के थ्रू लोगों को अच्छा गाइडेंस दूँ। और इस कोशिश में मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने जो इस फिल्म को चुना है, ये उनके लिए भी उतनी ही चुनौती है क्योंकि ऐसी फिल्में ज़्यादातर उनको जो पसंद नहीं करते हैं या कमर्शियली उनको हिट नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने इस फिल्म को कुछ इस तरीके से बुना है कि उसमें जितना मार्गदर्शन लड़कियों को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर है, उतना ही मसाला, उतना ही कमर्शियल एंगल भी है, तो सभी लोग खूब एंजॉय भी करेंगे इसको, उसका इतना ही मज़ा लेंगे एंड एट द सेम टाइम उनको एक अच्छी सीख भी मिलेगी इस फिल्म से, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी हर फिल्म से मिलनी चाहिए। यही कहूँगी। और संगीत अमन शुक्ला जी का है, अमन श्लोक आई एम सो सॉरी आज के लिए, क्योंकि तबीयत दो दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रही है मेरी, ट्रैवलिंग और शूटिंग की वजह से बीमार पड़ी थी और फिर भी आज कोशिश कर रही थी कि टाइम पे पहुँचूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ गया और फिर यहाँ पर आई हूँ, तो इस वजह से ट्रैफिक में लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। संगीत अमन श्लोक जी का है और इन्होंने हमारे साथ में बहुत पहले से काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। सो एसोसिएशन जब अच्छे लोगों का होता है एक फिल्म के लिए तो वो फिल्म भी पूरी तरीके से अच्छी बनती है। हमारे सह कलाकारों में प्रमोद प्रेमी जी हैं, अनारा जी हैं, अनारा जी के साथ में हमने सबसे पहली फिल्म की थी विधाता, और विधाता के बाद में आज हम कर रहे हैं, और विधाता जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, हम कामना करते हैं कि ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। इसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, ऑडियंस हमको प्यार दे, यही इच्छा करते हैं। और क्या कहेंगे मैम, एक नए लुक में आप, कोई नई फिल्म आ रही है आपकी या कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये लुक है या नहीं? फिलहाल हर मुझे लगता है हर फिल्म में आपको नया किरदार या नया लुक अपनाना ही चाहिए, तभी जब आप वर्सेटाइल रहेंगे तो आप ज़्यादा फिल्में कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप सिमिलर अपना लुक हर फिल्म में रखेंगे तो उतना नावीन्य नहीं दिखता है। और मुझे लगता है भोजपुरी में जितना रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस उतनी ही भाग रही है हमारी फिल्मों से, तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ नया हमेशा पेश करें और इससे उनका मनोरंजन भी हो और उनको एक ऐसा भी लगे कि यार वही कहानी नहीं वापस देखी। नॉर्मली ऐसा होता है कि तेलुगु में पिक्चर कोई हिट हुई है तो उसी की कॉपी बना दिए, तो ये कहानी उस तरह की नहीं है, तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल कहानियों से मैं जुड़ना खुद पसंद कर सकती हूँ। मैम, आपके अभी जो दो म्यूजिक वीडियो आए थे काफ़ी हिट हुए हैं और दर्शकों की मांग है कि आपकी और भी इस तरह के वीडियोस आएँ, कोई है इस तरह के आ रही प्रोजेक्ट कोई? जी बिल्कुल, अभी मैंने एक चिंटू जी के साथ में गाना किया है, वो फिल्म का गाना है लेकिन एल्बम का गाना नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही तड़क पड़क। आपकी जोड़ी केसारी के साथ गाने में काफ़ी हिट हो रही है, मैं केसारी के लिए बात कर रहा हूँ, केसारी के साथ आ रही है कोई जोड़ी? केसारी जी के साथ में एक गाने के लिए ऑलरेडी बात चल रही है और हो सकता है कि वो बहुत जल्द शुरू हो जाए, इनफैक्ट तीन गानों की बात चल रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग फिर एसोसिएशन करें और
बंगलिनिया जितना हिट हुई है उतना ही वो गाने भी हिट हो, और उसके लिए मेरे सभी सह कलाकारों को ने बहुत हेल्प की है, सबने अपने अपने वीडियोस रील्स बना के उस गाने को लोगों तक पहुंचाया, और बिना उनके ये नहीं हो पाता। सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मुझे साथ दिया। मैम से पता है कि मैंने कि विराधा में काम किया था अपने शुरुआत में, कैसा अनुभव हुआ था, क्या कहना चाहिए मैम के बारे में? मेरी तो वो डेब्यू फिल्म थी, मैं तो बड़ी डरी और सहमी सी थी सेट पे। ये तब भी सुपरस्टार थे और उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैं कहीं ना कहीं बहुत ऐसा रहती थी, अरे मेरे इतनी नया एक्सपीरियंस था, बट शी वॉज एक वंडरफुल आर्टिस्ट और बींग सीनियर जिस तरह से वो हेल्प किया आपने वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते ना कि एक हीरोइन दूसरी हीरोइन से कहीं ना कहीं वो चैलेंज सेक्टर पर, ऐसा नहीं था जो मैंने सुना हुआ था। हमारे बीच बहुत कमी हुआ है किसी भी हीरोइंस को लेकर, सभी लोग बहुत हमारी इंडस्ट्री में आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट की सब हीरोइन आपस में फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, ऑफ शूटिंग भी मिलते हैं और खूब मजे करते हैं, ऑफ शूटिंग मिलते हैं और रील्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग रील्स के लिए बहुत फेमस है यहाँ, और जैसे भी इनका गाना आया था सबने रील्स बनाया, और वेरी वेरी मच एक्साइटेड कि हम वापस काम करेंगे और एक ऐसी फिल्म के साथ आएंगे जो एक मार्गदर्शक बन के लोगों के आगे आए। बच्चों आपसे हम क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में, जितने भी कोस्टार्स हैं आपके इस फिल्म में? बस ये कहना चाहूँगा कि 20 साल के क्रिकेट में पहली बार मैं आपके साथ मौका मिला है, बहुत इस सिनेमा में प्रमोद प्रेमी जी के साथ में अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला है, पहली बार है कि मैं करने जा रही हूँ, तो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। और मुझे याद है दिनेश जी के साथ में जब मैंने पहली बार काम किया था तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद है उनके साथ वाला, और मतलब पहला शॉट लगा था जहाँ पे ऐसा शॉट था कि उनको मैं एक थप्पड़ मारने जा रही हूँ, हाथ पकड़ते घुमाते और बाल से पकड़ के ऐसे खींचते, और किसिंग शॉट था, और उनकी ऐसे हाथ दाबते थे, और वो किसिंग शॉट तो एक्चुअली नहीं था, सिर्फ आपको ऐसे ही मुड़ के ये करना था, पर उनसे हो ही नहीं रहा क्योंकि वो होता नहीं। तो मैंने देखा है कि भोजपुरी आर्टिस्ट में जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ में मतलब काम किए हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से एक होता ना कि रिस्पेक्ट, अरे बॉलीवुड से है तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट लेवल्स बहुत रखे हुए हैं सभी में से हैं। आई एम श्योर जर्नी ऑफ फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट बहुत एक्साइटिंग रहती है, और प्रमोद जी के गाने हम लोग सब सुने हैं, काफ़ी एक्साइटिंग है, नए कलाकारों में उनका काफ़ी नाम रहा है, अच्छे कलाकार हैं ये भी सुना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग इसमें पहली बार काम करने जा रहे हैं, और उनका किरदार है कुंवर साहब का, तो देखेंगे कुंवर साहब की शान क्या है, उनकी आन बान शान दिखाई देगी हमारे सामने जब आएंगे, तो हम देखेंगे उनको। गंगा की गौरी फिल्म का नाम है जी, जो जानकारी लगे गौरी आप हैं, गंगा आप हैं, गंगा की गौरी की दूसरी की आप हैं जी। प्रमोद प्रेमी का क्या लेना है? कुछ नहीं, दो हीरोइन है, एक हीरो है, यहाँ से ये खींचेगी वहाँ से मैं खींचूंगी, खींचा तान में देखेंगे कौन खींच पा रहा है सही से। चल आपके सवाल सर आपसे क्या कहना चाहेंगे जितने कलाकार, और कोई अगर नहीं खींच पाया तो उनकी वाइफ आके उनको लेके चली जाएगी, हम लोग शक्ल देखते रह जाएंगे और क्या। सर आपके सवाल आपसे सर क्या कहना चाहेंगे सारे कलाकार के बारे में जो है यहाँ पे आपके सवाल पर? मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है नारा जी के साथ, पाकी जी के साथ और प्रमोद जी के साथ और बालेश्वर जी के साथ इस फिल्म को करने जा रहा हूँ, और इसका टाइटल जो है गंगा की गौरी। तो चार सालों से मैं मुझे तलाश थी कि मेरी गंगा कहाँ है, मेरी गौरी कहाँ है, फिर चार साल के बाद ही मेरी तलाश पूरी हुई। तो बेशक मुझे लगता है कि जब हम जिस चीज़ को क्रिएशन करते हैं या सोचते हैं और उसके अनुरूप कुछ प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है, तो आगे चल के सारा कुछ बहुत ही बेस्ट होता है।
और आप लोगों के सामने मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक बेस्ट ही दिया है सब, कोशिश हमारी यही रही। और आप गौरी हैं, नारा जी गंगा हैं, प्रमोद जी कुमार राजेंद्र बाबू हैं, और बालेश्वर जी का किरदार है बैद्रपुरी दास जी का, इनका जो किरदार है विधाता के तरीके का, जो विधाता का किरदार था दिलीप साहब का ऐसा था, उस तरीके का इनका किरदार है। एक रही शादी, हाँ एक रही शादी, जैसे गौरी जी हैं तो गौरी जो गांव की मुखिया होती है, फिर इनको जो है पूरे एक राज्य का जो है पूरे प्रधानों का प्रमुख बना दिया जाता है, इनके कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार से भी एक लेटर आता है प्रदेश सरकार को कि इनको सही में तो नहीं आएगा, सही में आएगा तो हम तैयार है। तो इस तरीके की फिल्म है, तो हम भी एक्साइटमेंट हैं और सब कुछ अच्छा होगा, और सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का भी मुझे चाहिए इस फिल्म को लेकर के, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मेरी शुभकामना सबके लिए है और भोजपुरी दर्शकों के लिए फिल्म मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लगेगी, और लोगों को ये दिखेगा फिल्म के अंदर कि मैं अभी कुछ देख रहा हूँ तो ये मेरे लाइव फिल्म है। अरे प्रोड्यूसर साहब की चेयर तो यहाँ लगाइए, पैसा लगाएंगे सबसे पहले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.